नमस्कार जी, आज इस वीडियो में हम लहसुन में लगने वाला एक कीट मेगट, जो वास्तव में प्याज का कीड़ा है लेकिन ये लहसुन में भी नुकसान करता है, इस पर बात करेंगे। पहले बहुत ज़्यादा मेगट से लहसुन में नुकसान नहीं होता था, लेकिन इन सालों में लहसुन में मेगट से भी काफ़ी नुकसान होता है। जिन एरिया में कंटिन्यूस लहसुन होता है उनमें मेगट से नुकसान होता है। दरअसल आज एक मेरे पास फार्मर आए और उनका मैं सैंपल देख रहा था, तो उसमें डाउन मिल्डो बीमारी थी, पर मेरे की आदत है कि मैं थोड़ा उसको और चीज़ों को और बारीकी से देखता हूँ। तो मैंने जब रूट सिस्टम उसका देखा था, उसमें मेगट का भी काफ़ी डैमेज था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेगट जो कीड़ा है उसका डैमेज आप कैसे पहचाने अपने खेत पे, और यदि उसका डैमेज है तो आप उसका क्या इलाज करें। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे उसको आप पहचाने। देखिए, जनरली लहसुन के अंदर कीड़े के मामले में हम ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि उसमें थ्रिप्स होगा, तो जो कुकड़े पत्ते यानी कि पत्ते ऐसे मुड़ जाते हैं तो थ्रिप्स है। कीड़ों के मामले में हमारी यही धारणा रहती है, लेकिन लहसुन में मेगट भी लगता है। यदि मेगट लगता है तो आप कैसे देखेंगे, मतलब दरअसल ऐसा नहीं है, लहसुन में अभी फंगल डिजीजें भी चल रही होंगी, आपके जड़ गलन की समस्या आ रही होगी, ऊपर से पत्ते सूख रहे होंगे, डाउन मिल्ड्यू होगा। उन पर मैंने वीडियो बनाया भी है, मैं आगे भी बनाऊंगा बीमारी पर। आज लेकिन इस वीडियो में हम मेगट पर ही बात करेंगे। जब आप लहसुन का देखते हो, आपका लहसुन जब पीला पड़ता है मेगट में, ऊपर से आपको पौधा पीला दिखाई देगा, और जब उसको खोद के आप देखेंगे, जैसे मैं आपको किसी पौधे को दिखाता हूँ, यदि आप इस पौधे को जैसे उखाड़ के देखेंगे इसे, तो या तो इसका जो नीचे की ये जो प्लेट होती है आपकी लहसुन की, ये इसमें आपको डैमेज दिखेगा, या इसका जो साइड में ये पोर्शन है इस पे यहाँ कहीं से वो छेद बनाने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे मेरे पास एक सैंपल प्लांट है भी जिसमें ऐसा डैमेज है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे इस पौधे में आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे ये डैमेज आपको दिख रहा है, तो ये मेगट का है। मेगट एक्चुअली क्या है, सफ़ेद कलर में, क्रीमी वाइट कलर में आपको ये कीड़ा दिखेगा, और ये लहसुन की जब जड़ों को खाता है, लहसुन के जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें छेद करके ये लहसुन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो इससे लहसुन में अभी काफ़ी नुकसान होने लग गया है। और यदि आपने खेत में गोबर की कच्ची खाद डाली है तो इसका अटैक होने की ज़्यादा संभावना है। पिछले सीजन में दलहनी फसल रही है तो भी इसका अटैक हो सकता है, और ये सब चीज़ें नहीं है तो भी मेगट का आपके खेत में अटैक हो सकता है। तो मेगट का यदि आपके खेत में अटैक है तो क्या करें। यदि खड़ी फसल में आपको मेगट का अटैक दिखता है, यदि आपकी जड़ों को वो खा रहा है या इसके इसमें गांठ में छेद कर रहा है, तो उस केस में आप फंजीसाइड कर रहे हैं उसके साथ में आप मिक्स कर सकते हैं, आप क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे कर सकते हो, आप फिप्रोनील का भी स्प्रे कर सकते हो, और यदि आप यदि खाद फेंक रहे हैं तो उसमें आप फिप्रोनील जो 0.3% में आता है 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से, उसको भी फेंक सकते हो। आप क्लोरोपाइरीफॉस को भी 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से उस खाद में या रेत में मिला के खेत के अंदर फेंक सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि मेगट थोड़ा नोटोरियस कीड़ा होता है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है खड़ी फसल के अंदर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बीज उपचारित करना चाहिए जब हम लहसुन बुआई करें, और जब लहसुन की हम खेत को तैयार कर रहे हैं उस टाइम ही हम ये ग्रेन्युलर फॉर्म के जो कीटनाशक है जैसे फिप्रोनील 0.3% वाला, ये खेत के अंदर फेंक देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होगा। तो इन जनरल ये मेगट की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपको जिस एरिया में आपके एरिया में मेगट की प्रॉब्लम आने लग गई है तो आप खेत तैयारी के समय ये डाल सकते हो। और खड़ी फसल में जैसे कि मैंने बताया कि आप क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे कर सकते हो, आप फिप्रोनील का स्प्रे कर सकते हो, खड़ी फसल में क्लोरोपाइरीफॉस या फिप्रोनील फेंक भी सकते हो। लेकिन और एक मतलब ये कहीं रिकमेंडेशन में तो नहीं, लेकिन ये तरीका हो सकता है कि आप क्लोरोपाइरीफॉस को आप जहाँ से पानी आपके खेत में लग रहा है वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा उसको यदि दे और खेत में वो बराबर जाए तो ये कंट्रोल हो जाए। ये थोड़ा नोटोरियस कीड़ा है, यदि आप कंटिन्यूसली है कि एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करोगे तो भी इसके ऊपर वो काम नहीं करेगी, तो ये मेगट का डैमेज सिम्टम और उसका इलाज है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी, यदि जानकारी ठीक लगी और मैं खेती से जुड़ी हुई जारी जानकारियाँ डालता रहता हूँ मेरे इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।